dear kids, how are you? I hope you all are fine and I'm also fine. Today I'm going to teach you the word problems of addition of 3-digit numbers. Okay? हमने जो 2-digit number के जो addition word problems study करे थे उसी तरीके से हमें 3-digit के numbers का जो addition होता है उसको भी solve out करना है, ठीक है? इसमें भी हमारे पास में जो एडिशन के कीवर्ड्स होते हैं वो सेम होते हैं, जैसे टोटल, इन ऑल एंड ऑल टुगेदर के सारे जो हमारे वर्ड्स होंगे वो सेम हमें फाइंड आउट करने हैं। और अगर वर्ड्स नहीं है उसके अंदर तो हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं कि उसके अंदर हमें सब एडिशन करना है या सब्ट्रैक्शन, तो उसके लिए हम लोग हमारी जो वर्ड प्रॉब्लम है उसको केयरफुली क्या करते हैं, रीड आउट करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले हमारी वर्ड प्रॉब्लम को यहाँ पे राइट डाउन करते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, ठीक है, हम हमारी वर्ड प्रॉब्लम को यहाँ पे राइट डाउन करते हैं। इन एन एग्जामिनेशन students are passed and 180 students are failed. Okay? ये हमारी word problem है। In an examination, 584 students are passed and 180 students are failed. How many students did appear in exam? हमारा जो एग्जाम था उसके अंदर कितने स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया, ठीक है? तो हम यहाँ पे राइट करते हैं या फिर अपीयर्ड भी लिख सकते हैं हम इसको, अपीयर्ड इन एग्जाम। सो फर्स्टली वी राइट हियर वट एवर इन्फॉर्मेशन इन दिस वर्ड प्रॉब्लम। सॉल्यूशन, इन्फॉर्मेशन क्या क्या गिवन है, हमें गिवन है पास्ट स्टूडेंट का नंबर। ओके, तो पास्ट स्टूडेंट, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर पास्ट, 584। सेकेंड थिंग हमें क्या गिवन है, फेलियर स्टूडेंट्स। ओके, तो फेल स्टूडेंट्स यहां पे हम नोट डाउन करेंगे, फेल स्टूडेंट्स इक्वल्स टू 100। ओके, दोनों चीज हमने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया है, पास्ट जो हमारे स्टूडेंट है वो और हमारे जो फेल स्टूडेंट है उनको हमने नोट डाउन कर लिया। अब हमें क्या करना है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स अपीयर्ड इन एग्जाम, हमसे पूछा गया है कि एग्जाम के अंदर टोटल कितने स्टूडेंट्स थे जिन्होंने एग्जाम दिया, ठीक है? पास होना और फेल होना वो अलग बात है, लेकिन जितने स्टूडेंट्स ने एग्जैक्टली एग्जाम दिया था वो स्टूडेंट्स कितने थे, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एडिशन करेंगे। जैसे मैं आपसे पूछूं कि आपके क्लासरूम के अंदर, ठीक है, एग्जाम हो रहा है और उसके अंदर 50 स्टूडेंट बैठे हो आप लोग, ठीक है, 50 में से अगर आप लोग 25 पास आउट हो गए और 25 फेल हो गए, तो आप लोग क्या बताओगे कि टोटल स्टूडेंट कितने थे उसके अंदर? 50 थे, दोनों को ऐड किया तभी तो आपको पता चला कि कितना है हमारे स्टूडेंट का नंबर। तो जितने पास होते हैं और फेल होते हैं उस सारे को हमने नोट डाउन करना है कि इतने बच्चों ने एग्जाम दिया था, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों का एडिशन करेंगे। यहाँ पे हम लोग नोट डाउन करेंगे, सबसे पहले हमारे प्लेसेस, हंड्रेड्स, टेंस, वंस, ठीक, राइट डाउन करो, 584 प्लस 180, ओके, नाउ वी आर गोइंग टू ऐड देम, देन स्टार्ट फ्रॉम वंस कॉलम। 4 प्लस 0 इज इक्वल टू 4, 8 प्लस 8 इक्वल टू 16, हाउ 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ओके, हियर इज 16। और मैंने जब आपको 2-digit के नंबर राइट डाउन करने सिखाए थे तो हमें क्या करना है, 2-digit में थे हमारा जो फर्स्ट डिजिट है उसको तो हमें उसी कॉलम में राइट डाउन करना है जिस कॉलम का हमने एडिशन किया है, और जो सेकंड डिजिट है उसको हमें नेक्स्ट कॉलम में कैरी करना है, तो हमने यहाँ पे इसको नोट डाउन कर दिया। ओके, देन 1 प्लस 5 इक्वल टू 6 एंड 6 प्लस 1 इक्वल टू 7,
7 हमने यहाँ पे राइट डाउन कर दिया। और इसका जो आंसर है वो कैसे राइट करेंगे, हमारे पास में कितने स्टूडेंट थे टोटल 764। हैंस देर आर 764 स्टूडेंट्स अपीयर। ओके, और इसी तरीके से आप लोग को अपनी जो वर्ड प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व आउट करनी है। क्या करना है, जो भी चीजें हमारे क्वेश्चन के अंदर गिवन है उसमें हमें सबसे पहले वर्ड प्रॉब्लम में ये देखना है कि हमारे कीवर्ड्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे। कीवर्ड्स कौन कौन से, इन ऑल, ऑल टुगेदर एंड टोटल। ओके, इन तीनों से हमें फाइंड आउट करना है हमारी वर्ड प्रॉब्लम को। और वर्ड प्रॉब्लम जैसे ही हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे कि हमारी एडिशन की वर्ड प्रॉब्लम है, इसके बाद तो ये सारी चीजें इजी होती है, हमें क्या करना है अरेंज करके एड कर लेना। आई होप दिस इज मच हेल्पफुल टू यू एंड आई थिंक दिस इज मच इजियर टू अंडरस्टैंड यू सेल्फ। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड इफ यू हैव एनी टाइप ऑफ क्यूरीज देन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स।